हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो वापस से मैं आज आपके सामने 1 मिनट वन कंसेप्ट का वीडियो लेके आई हूँ। 1 मिनट वन कंसेप्ट का एक वीडियो लेके आई हूँ। तो आज हम वापस से अपने सामने दो न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे, टू कंसेप्ट पढ़ेंगे। उन दोनों कंसेप्ट में आपको एक कुछ नया सीखने को मिलेगा और केवल 2 से 3 मिनट के समय में आपको करवा दूंगी, ठीक है, केवल रेगुलरली। अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो आप सभी सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा चैनल को और एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। जितने भी नए बच्चे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलरली क्लास अपलोड होती है आपकी, 2 मिनट के अंदर आपका दो न्यू कंसेप्ट। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, हमें निकालना क्या है, इफेक्टिव एनुअल रेट निकालनी है हमें। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 15% है एनुअली, तो हमें से चेंज करनी हाफ ईयरली में, तो इसकी एनुअल रेट क्या होगी, आपका सवाल है। सवाल समझ में आ गया, एनुअल रेट निकाल लिए। अभी हमें क्या दे रखा है, ईयरली 15% है, 15% ईयरली दे रखा है। अगर हाफ ईयरली करेंगे मतलब 6 महीने में एक बार, एक साल में 2 बार, तो 15/2 15/2 इस टाइप से हो गया। तो कैसे करेंगे इसको, फॉर्मूला होता है इसका बहुत आसान सा, 15/2 इन प्लस का 15/2 प्लस का 15/2 इंटू 15/2 अपॉन का 100, इसका फॉर्मूला होता है, शायद काफी बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। तो कितना होगा, 30, तो ये हो गया प्लस का 225 अपॉन का 400, ये हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, सॉरी 15 हो गया, ये 15/15 ये हो गया। देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 1 4 4 5 20 6 24 1 4 2 8.5, मतलब 15 + 15.25 अपॉन का 100। तो इसको करेंगे तो 15.5625 आपका सही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। सवाल समझ में आया कैसे हुआ आपको, कुछ नहीं था, केवल सॉल्व करना था हमें, किस चीज को, इस वाले पूरे पोर्शन को, 15/2 + 15/2 + 15/2 इंटू का 15/2 अपॉन का 100। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लियर हो गया। एक और सवाल देखते हैं, रीजनिंग का सवाल होगा नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक घन दे रखा है, इसके बताना है एक के विपरीत क्या होगा। आपको सिंपल सवाल है, घन देखिए, पहले क्यूब देखिए, इसमें कितने नंबर कॉमन है, दोनों में 6 2 6 और 2, दो नंबर कॉमन है। ध्यान दीजिएगा, जब दो नंबर कॉमन होते हैं, टू नंबर कॉमन हर जगह अप्लाई होगा आपका, जब टू नंबर कॉमन होते हैं तो रिमेनिंग नंबर जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, यह आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। आई बात समझ में, जब दो नंबर कॉमन होते हैं तो क्या होता है, जो रिमेनिंग नंबर होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, अपोजिट होता है, क्लियर हुआ। तो क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा 3, ये तो कॉमन हो गए, बचा क्या 1 और 3, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 के अपोजिट 3 आपका सही आंसर है, क्लियर हुआ। तो ये दो न्यू कंसेप्ट थे, अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलरली मैं आपके सामने ऐसे दो कंसेप्ट लेके आती हूँ अलग अलग। लाइक कर दीजिएगा चैनल को और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं वापस अगली क्लास के अंदर, टेक केयर, बाय।